क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया से कोई पब्लिक ट्रेन में बैठकर जा रही है और वो पाकिस्तान जाकर उतर रही है? क्या ऐसी ट्रेन कोई चलती हैं आज के ज़माने में? मुझे नहीं लगता यार, लेकिन हाँ, एक टाइटल मुझे दिख रहा है वीडियो का, इंडिया टू पाकिस्तान बाई ट्रेन फ्रॉम अमृतसर टू लाहौर रूट, अटारी वाघा बॉर्डर। तो इसको देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लग रहा है ये। लेकिन हाँ, ट्रेन भी दिख रही है। क्या पाकिस्तान तक जाएगी या नहीं जाएगी? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रूट है, या फिर अगर है या फिर होता, इमेजिन भी अगर आप इस चीज़ को करें तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत चीज़ होती कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बाई ट्रेन ट्रैवल किया जा सकता था या फिर किया जा सकता हो अगर, तो कितनी बढ़िया बात होती। तो चलो इस वीडियो पर नज़र डालते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, मैं इस समय अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर हूँ और जा रहा हूँ पाकिस्तान की ओर। जी हाँ, ये है इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर बोल सकते हैं, और भारत की साइड पर लास्ट स्टेशन है। तो चलिए चलते हैं आज के सफर में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बाय ट्रेन। चलिए चलते हैं। तो मेरे ठीक पीछे आप ट्रेन चेक कर सकते हैं, यही ट्रेन है जो पाकिस्तान की तरफ जाएगी, भारत और पाकिस्तान का जो लास्ट बॉर्डर है वहां पर जाएगी, और उससे आगे पाकिस्तान है। तो आइए चलते हैं, सारा सफर आप मेरे साथ रहिएगा। अगर मैं टाइम की बात करूं, 7:30 बज चुके हैं, 7:30 बजे एग्जैक्टली यहां से ये निकलेगी, 1 घंटे की जर्नी रहेगी, और जो बॉर्डर है वो यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है। बॉर्डर की बात करूँ तो वो 25 से 27 किलोमीटर दूर है। तो आइए चलते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। बीस बाईस किलोमीटर है आई थिंक, मैंने सुना था पंजाब से यहाँ से। तो ट्रेन अपने बिल्कुल निर्धारित समय के ऊपर चल पड़ी है, और एग्जैक्टली 7:30 बजे चल पड़ी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जितनी की सारी जो ट्रेन है वो खाली है, कोई 2 या 3 सवारी है हमारे साथ, और 3 बोगियां हैं, 3 कंपार्टमेंट है इस ट्रेन के, 3 डब्बे हैं, 3 डब्बे बस, और 1 घंटे की ये जर्नी है। ठीक 8:30 बजे जो टाइम है वो हम पहुँच जाएंगे बॉर्डर के लास्ट स्टेशन के ऊपर। तो दोस्तों, ये नॉर्मल जो ट्रेन है वो रहती है, आप देख सकते हैं जो सीट्स हैं वो जो नॉर्मल वाली सीट रहती है वो है, सामान को रखने के लिए यहाँ पर ये बना हुआ है, जो टिपिकली फैन होते हैं ट्रेन में आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो नहीं होती है, बस आपको टिकट लेना है और आकर ट्रेन पर बैठ जाना है, बस यही है ट्रेन। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि सारी की सारी जो ट्रेन है वो खाली है, मैं आपको सारा राउंड करा रहा हूँ, और कोई भी नहीं, 2 लोग हम हैं, कैमरे के पीछे दमन है, और एक भाई साहब मेरे को मिले, और मेरे को यहाँ कोई भी सवारी जो है वो नहीं मिली है। अमृतसर से बॉर्डर के बीच में 2 स्टेशन आएंगे, पहला स्टेशन आएगा छिहाटा, और दूसरा स्टेशन आएगा खासा आएगा, और फिर हम पहुँचेंगे बॉर्डर के ऊपर, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। दोस्तों, ये वही ट्रैक है 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो इसी ट्रैक से जो 2 ट्रेनें जो पाकिस्तान से भारत की तरफ आई और भारत से पाकिस्तान की तरफ गई, जिसमें डेड बॉडीज भी थी, जी हाँ, लाशें भी थी। ये थोड़ा सा दुखद घटना है जो शायद मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन इतिहास को भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो ये वही ट्रैक है जो हमारी आज़ादी से भी पहले का, ब्रिटिश के टाइम का ये बना हुआ है। तो अभी जो पहला स्टेशन है छिहाटा, ये आ चुका है। तो दोस्तों, ये पहला स्टेशन है छिहाटा स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन लेस देन 1 मिनट के लिए रुकती है, और अब ये ट्रेन आगे की तरफ जाएगी, जो नेक्स्ट स्टेशन होगा वो खासा स्टेशन होगा, और उसके बाद हम बॉर्डर पर पहुँचेंगे भारत और पाकिस्तान पे। तो अभी जो हॉर्न है वो हो चुका है, ट्रेन अब जाने लगी है, तो आइए चलते हैं, कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए ये मैं ज़रूर बोलूँगा। दोस्तों, इस सफ़र में जो सबसे बढ़िया बात लग रही है, हम कंट्री साइड पर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ आपको जो खेत हैं वो नज़र आएंगे, और पूरे भारत में अगर सबसे बढ़िया लैंड की बात करूँ वो यही लैंड है जहाँ पर खेती की जाती है, पंजाब बढ़िया उपज होती है। पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती होती है, बहुत बहुत ज़मीनें होती हैं पंजाबियों का।
ये खासा आ गया जी, खासा खासा वाह, है ना। तो दोस्तों मैं इस समय खासा में पहुंच चुका हूं। खासा जो लास्ट स्टेशन आएगा उससे पहले वाला लास्ट स्टेशन है और ट्रेन चल चुकी है। और खासा में एक तो वाइन की जो है फैक्ट्री है, और इसके साथ साथ मैं बता दूं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में शाम को सेरेमनी होती है बॉर्डर पर, अगर उसके वीआईपी पासेस आपको चाहिए तो आपको यहां पर मिलेंगे आर्मी के हेडक्वार्टर में। हमारी ट्रेन चल चुकी है। फ्लैग सेरेमनी जो होती है डेली, सब कुछ एक जैसा लग रहा होगा। दोस्तों जो लास्ट स्टेशन है भारत और पाकिस्तान का, जो बॉर्डर है अटारी पर हम पहुंच चुके हैं। ये लास्ट स्टेशन है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का, और इससे आगे जो बॉर्डर है पाकिस्तान का वो लेस देन 1 किलोमीटर है जी। वाओ, लेस देन 1 किलोमीटर। तो दोस्तों अटारी पर मैं पहुंच चुका हूं। इस स्टेशन को श्याम सिंह अटारी वाला के नाम से जाना जाता है, जो कि जर्नैल थे महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में। और मेरी ठीक इस तरफ लेस देन 1 किलोमीटर या लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो पाकिस्तान है वो शुरू हो जाता है, और ये पटरी भी जाती इससे है, आगे हम नहीं जा सकते। देख सकते हैं ये जाली लगी हुई है। इसके जो दूसरी तरफ जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। एक समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती थी, और लोग अलाउड थे भारत से लाहौर जाने के लिए और लाहौर से भारत अमृतसर दिल्ली की तरफ जाने के लिए। वाह यार, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बंद कर दी गई। अभी कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ से। आई होप कि भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से हमारे जो संबंध है वो अच्छे बने, और इधर के लोग उधर जा सकें और उधर के लोग इधर आ सकें। कितना कूल रहता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपके प्यार की मेरे को तलाश रहेगी। मिलूंगा एक नई एपिसोड में धमन के साथ। लव यू ऑल। ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा इमोशंस को जगाता है वीडियो, अगर आप इसको वो देखें तो, कि वहाँ तक जाती है जहाँ से पहले कुछ सालों पहले, काफ़ी सालों पहले एक ट्रेन जाया करती थी, समझौता एक्सप्रेस। समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज़, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि हम ये ट्रेन चलाएंगे वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। पाकिस्तान से इंडिया आएंगे लोग, घूमेंगे फिरेंगे, रहेंगे जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे, और इंडिया से पाकिस्तान लाहौर जाएंगे। तो कितना खूबसूरत होंगे वो दिन जब लोग आया जाया करते होंगे। यहाँ इंडिया से वहाँ जाने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बस संबंध थोड़े अच्छे नहीं हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से नहीं जा सकते। बाकी ट्रेन चल रही है यार, कोई मसला ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अदर कंट्रीज अदर लोगों के साथ होता है, वैसा अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कॉमन चीज़ें होती तो बड़ा ही खूबसूरत होता। खैर, जो नहीं है वो नहीं है, सिर्फ दुआ कर सकते हैं आज के ऐसा कुछ हो कि संबंध अच्छे हों और ये सारी चीज़ें फिर से ओपन हो जाए। फिर सिर्फ सिख लोगों के लिए अभी परमिशन है कि आप करतारपुर विज़िट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। या क्या कहते हो, इससे आपके क्या इमोशंस, क्या आप फील करते हो, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड करते हैं, साइनिंग ऑफ।